खबर लखनऊ से, जहां शहीद दिवस पे शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां शामिल होंगे और सीएम योगी शहीद स्मारक पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5:40 पे शहीद स्मारक पे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो शहीद दिवस पे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और सीएम योगी शहीद स्मारक पे जो कार्यक्रम है वहां पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम करीब 5:40 पे शहीद स्मारक पे ये कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। शाम 5:40 पे एक कार्यक्रम होगा और यहां मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, शहीद दिवस पे किस तरीके का एक कार्यक्रम है, चूंकि मुख्यमंत्री शाम को पहुंचेंगे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। सीधे तौर पर शहीद दिवस के कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हालांकि इन बहुत सारी चीजों को लेकर ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश से आने वाले जो जवान हैं उनके लिए काम कर रही है, खासतौर पर वो जवान जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो जवान हैं उनको हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर जो भी जवान शहीद हैं उनकी स्मृति के रूप में यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5:40 पर शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही साथ शहीदों को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में बताएंगे। खासतौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद दी जाती है वो आर्थिक मदद, साथ ही साथ उनके जिले की एक सड़क का नाम उनके नाम पर, साथ ही साथ उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है। तो लगातार इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और आज शहीद दिवस के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो शहीदों को नमन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से उनके पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और उनके परिवार को हर तरीके से सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं उस विषय में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया इसके बाद जानकारी के लिए। तो ये